दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसे एक बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं जो दोस्तों सभी के घरों पे यूज होता है। आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों आपको इस बिजनेस में कुछ नहीं करना, आपको इस बिजनेस में सिर्फ मात्र कुछ पैसे लगा करके आप आसानी से इस पर 20 से 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए तक भी इसमें कमा सकते हो। इस पर कैसे कमाओगे, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करना है, कहाँ माल बेचना है, कहाँ इसका माल खरीदना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक का जरूर देखिएगा और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को देख लेते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों आज मैं जो बात करने वाला हूँ ये है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि आप लोग इस प्रोडक्ट को बेच करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कॉस्मेटिक में आपको हज़ारों प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको इन प्रोडक्ट में सिर्फ मात्र 10 से 12 प्रोडक्ट को ही मार्केट में बेचना है। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि शीशे, कंघी और बहुत सारे पाउडर होते हैं, बहुत सारे जैसे क्लिप होती हैं, इस तरीके के आप क्या करिए, आप इन सबको पहले होलसेल में जाकर के आप खरीद के लेके आइए। दोस्तों आपको इसमें पूंजी लगानी है, कम से कम 2 लाख रुपए आप लगा सकते हैं। अगर इससे कम लगाओगे तो बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको उससे रेट नहीं मिल पाएंगे। तो आप कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का ये 8 से 10 चीज़ें ले करके आइए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप पूरा बने रहिए वीडियो में। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए या आपके पास एक फोर व्हीलर होनी चाहिए। अगर आप दोस्तों आपके पास फोर व्हीलर है तो बहुत अच्छा है, और बाइक है तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आपका काम चल जाएगा। इसको आपको करना क्या है कि पहले आपको अपने मार्केट में जितनी भी छोटी से छोटी जो दुकानें होती हैं कॉस्मेटिक की, जो देखे होंगे दोस्तों आप गाँव में रखे होते हैं, सब जगह रखे होते हैं, उनसे आपको जाकर के अपना प्रोडक्ट के सैंपल दिखाना, उनसे ऑर्डर लेना है। दोस्तों वो लोग चाहते हैं कि आप, वो खुद चाहते हैं कि उनके दुकान पे कोई देके चला जाए। वो दोस्तों कम मार्जिन में भी काम कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप कोई भी चीज़ 10 रुपये की लेके आते हैं तो आप उनसे 15 रुपये या 13 रुपये ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको बल्क में चाहिए होता है। जैसे कि वो आपसे एक पीस तो नहीं खरीदेंगे, कम से कम 5 या 10 पीस खरीदेंगे, और आप जो लेके आएंगे आप कम से कम 100 से 200 पीस लेके आएंगे। तो दोस्तों उस पर अगर आप 5-10 पीस लेते हैं एक प्रोडक्ट के, तो भी अगर वो 2 से 3 हज़ार रुपये का माल लेते हैं आपसे, तो भी उनके 300-400 रुपये आप उनसे आसानी से कमा लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने 4 से 5 दुकानें अगर रोज के की पकड़ ली और वहाँ आप माल देना चालू कर दिया, तो यकीन मानिए आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे आप क्या करिए कि आपका जैसे जैसे मार्केट बड़ा होता जाएगा और उस तरीके से अपना काम करते जाइएगा। इसका एक यही फंडामेंटल है कि आप शुरुआत में बाइक से पहले दिन ऑर्डर लीजिए, दूसरे दिन उसकी डिलीवर करिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं कि उसी पर आप माल भरिए और डायरेक्ट मार्केट में चले जाइए। दोस्तों शुरुआत में हो सकता है आपको ऑर्डर की कमी है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को मार्केट में आपकी पहचान बनेगी और आपका बिजनेस अच्छा से ग्रो करने लगेगा और आपको प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों इस तरीके के काम बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्केटिंग करना है और कुछ पूंजी लगानी है। तो दोस्तों इस पर आपको कोई चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, कुछ भी टेंशन भी नहीं है, दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि माल बुक करवाना है और डायरेक्ट माल दुकानदारों को सप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये मेरे बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।